मध्य प्रदेश में विश्वास मत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, कोर्ट की टिप्पणी, जल्द होना चाहिए फ्लो टेस्ट। कोर्ट ने पूछा सवाल, 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया तो स्पीकर ने किस आधार पर सिर्फ 6 इस्तीफे किए मंजूर। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा यदि सदन सत्र में नहीं है और यदि सरकार बहुमत खो देती है तो राज्यपाल को विश्वास मत रखने के लिए स्पीकर को निर्देश देने की शक्ति। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा संसद या विधानसभा के सदस्यों को विचार की कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये लोग व्हिप से संचालित। बेंगलुरु में ठहरे विधायकों से मुलाकात को लेकर दिग्विजय सिंह को झटका, सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के चलते कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा दखल देने से इनकार। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने किया अपनी सरकार के सुरक्षित होने का दावा, आज तक से बातचीत में कहा मेरे पास बहुमत। 15 महीनों में अपनी बहुमत 3 दफे सामने रखी है तो आज हमारी बहुमत की सरकार है। कमलनाथ ने बीजेपी को फिर से दी अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती, कहा नंबर है तो क्यों नहीं करते शुरुआत। बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा आखिरी छक्का बीजेपी का लगेगा। कमलनाथ कह रहे हैं आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हमारी ही सरकार बनेगी। मन को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई बने राज्यसभा के सदस्य, पद और गोपनीयता की ली शपथ। गोगोई की शपथ के दौरान राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, कांग्रेस सांसदों ने सदन से किया वॉकआउट। To swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by. नारेबाजी पर विपक्ष को कानून मंत्री रविशंकर ने लगाई फटकार, कांग्रेस शासन में पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सांसद बनाए जाने की दिलाई याद। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा रंजन गोगोई की नियुक्ति न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आघात। सुप्रीम कोर्ट से दोषी पवन को झटका, खारिज की गई सुधार याचिका। कोर्ट ने अपराध के समय नाबालिग होने की दलील ठुकराई। निर्भया के दोषी मुकेश की नई चाल, फांसी पर रोक की मांग। मुकेश ने फांसी से पहले उसे किसी भी कोर्ट में याचिका दाखिल करने की इजाजत मांगी। मुकेश ने कहा घटना के वक्त दिल्ली में नहीं राजस्थान में था। 20 मार्च को दोषियों को दी जाने वाली है फांसी, तिहाड़ जेल में पवन जल्लाद ने डमी फांसी देकर की टेस्टिंग। महाराष्ट्र में कोरोना के 2 नए मरीज आए, पूरे राज्य में अब तक कोरोना के 47 बीमार। पूरे देश में कोरोना के अब तक 173 मामले, 3 लोगों की हो चुकी है मौत। सिंगापुर एयरपोर्ट पर फंसे हैं महाराष्ट्र के छात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भारतीय उच्चायोग के संपर्क में। छत्तीसगढ़ में सामने आया कोरोना का पहला केस, रायपुर में 24 की महिला का टेस्ट पॉजिटिव। 15 मार्च को लंदन से लौटी थी युवती, परिवार को भी रखा गया आइसोलेशन में। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, धूप का सेवन करें। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे देश को संबोधित, कोरोना पर करेंगे बात। कोरोना की वजह से सीबीएसई की सभी परीक्षाएं स्थगित, 31 मार्च तक लगी रोक। जी मेंस की परीक्षा भी टाली गई, 31 मार्च को आएगी अगली तारीख। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कोरोना के संदिग्ध ने की खुदकुशी, साथ ही मंजिल से कूद कर दी जान। खुदकुशी करने वाला शख्स सिडनी में रहकर कर रहा था पढ़ाई, एयरपोर्ट से उसे हॉस्पिटल लाया गया था। कश्मीर में भी एक शख्स ने कोरोना पीड़ित 16 मार्च को विदेश से लौटे शख्स को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। दुबई से पाकिस्तान पहुंचे 43 भारतीयों को अमृतसर लाया गया, सभी को मेडिकल कॉलेज में निगरानी में रखा गया।
लखनऊ में 3 और गाजियाबाद में 2 लोग कोरोना पीड़ित। इटली में कोरोना वायरस का बरपा भयानक कहर, सिर्फ बुधवार को 475 लोगों की कोरोना से गई जान। इटली में करीब 3000 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान, करीब 36000 लोग कोरोना से पीड़ित। पाकिस्तान में 24 घंटे 60 से ज्यादा कोरोना पीड़ित बढ़े, कुल 301 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित, 2 लोगों की मौत। फ्रांस में 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस से 89 लोगों की मौत, फ्रांस में अब तक कोरोना से 264 लोगों की जा चुकी है जान। केन्या के संसद में कोरोना पर हंगामा, बाहर से आए एक सांसद की जांच के लिए सांसदों ने मचाया शोर, सांसद को मजबूर होकर जाना पड़ा। महाराष्ट्र के बाद केरल में कोरोना का कहर, कुल 27 लोग हैं कोरोना पीड़ित। बीमार में अब तक 17 लोग कोरोना पीड़ित, सबसे ज्यादा आगरा में 8 लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन। नोएडा में 4 लोग कोरोना पीड़ित, भीड़ ना जुटने के लिए लगाई गई धारा 144। नोएडा में 2 बंद पड़े प्राइवेट अस्पताल में बनाया जा रहा है कोरोना पीड़ितों के लिए आइसोलेशन वार्ड, 400 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जा रहा है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 300 बेड का आइसोलेशन तैयार, यहां अंडर ऑब्जर्वेशन वाले पेशेंट रखे जाएंगे। कोरोना के कहर से रेलवे को भारी नुकसान, मार्च के शुरुआती 12 दिन में 12 लाख टिकट हुए कैंसिल, करीब 60% टिकट कैंसिल। पुणे में होटल कारोबार बुरी तरह प्रभावित, करीब 4500 रेस्टोरेंट और छोटे होटलों को रोजाना हो रहा करीब 25 करोड़ का नुकसान। मुंबई में रेस्टोरेंट में घटी ग्राहकों की संख्या, 60% गिरावट। कोरोना को लेकर सतना में बढ़ती गई सतर्कता, शारदा मंदिर 31 मार्च तक बंद। यूपी के अलीगढ़ में कोरोना के खतरे को लेकर डीएम ने धर्म गुरुओं के साथ की बैठक, सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ नहीं जुटने का दिया संदेश। हरियाणा में 17 लोग हैं कोरोना पॉजिटिव, कर्नाटक में 14 लोग कोरोना पीड़ित। लद्दाख में 8 लोग कोरोना पीड़ित, जम्मू कश्मीर में 4 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित। तेलंगाना में कोरोना के 7 और मरीज कंफर्म, सभी इंडोनेशिया के हैं, राज्य में 13 हुआ आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के करीब 30 मामले, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लद्दाख, हरियाणा और यूपी में बड़े मरीज। महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में कल से सिर्फ 40% लोग रहेंगे मौजूद, कोरोना को देखते हुए सरकार का फैसला। अलवर में विदेश से लौटे डॉक्टर दंपति ने छिपाई जानकारी, अस्पताल स्टाफ और मरीजों को मुसीबत में डाला, बिना आइसोलेशन वार्ड में रहे डॉक्टरों ने कुछ मरीजों का ऑपरेशन तक किया। डॉक्टर दंपति को अब आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया है, 16 मार्च को अस्पताल प्रशासन ने जारी किया नोटिस, डॉक्टर दंपति के संपर्क में आए सभी लोगों की होगी निगरानी। ईरान से 195 भारतीयों को किया गया रेस्क्यू, 2 विमान से सभी को जैसलमेर लाया गया। एरेंडा के पहले विमान में ईरान से 105 भारतीय नागरिकों को जैसलमेर लाया गया, जबकि दूसरे विमान में 90 लोगों को किया गया रेस्क्यू। फिलीपींस के मनीला में भारत के करीब 1000 मेडिकल छात्र फंसे, परिजनों ने सरकार से मांगी मदद।